हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि परसेंट वैल्यू को कैसे डेसिमल में, फ्रैक्शन में एंड रेशियो में कन्वर्ट करते हैं एंड अगेन फ्रैक्शन, डेसिमल एंड रेशियो को परसेंट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सो ये वन टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें हम लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। सेकंड टाइप का प्रॉब्लम है, मिसलेनियस क्वेश्चन दिया रहेगा, और थर्ड जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। तो ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड लेक्चर है, इसमें हम लोग मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड देन जो इसके थर्ड पार्ट में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया है कि व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि व्हाट परसेंट, हमें कुछ परसेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, तो उसके लिए हम लोग मान लेते हैं लेट x परसेंट ऑफ 120 इज 90 होगा। तो x परसेंट ऑफ 120 इज दैट मींस इक्वल टू 90। सो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और ये जो व्हाट परसेंट पूछ रहा है वो परसेंटेज हमें यहाँ पे कैलकुलेट हुआ हो जाएगा, जो भी आएगा वो परसेंट वैल्यू होगा। तो x और ये जो ऑफ लिखा है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे मिंटू का साइन देंगे। 120 इक्वल टू 90। अब देखिए, हम लोगों ने अभी जस्ट सीखा है इससे पहले वाले वीडियो में कि x परसेंट का मतलब होता है x अपॉन 100 या इंटू है 120 और 90। इसको सॉल्व करना है, जीरो से जीरो को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 90 है, ये 10 इधर ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और 12 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 जा 9 एंड 3 4 12। तो 3 यहाँ 0 और यहाँ 0 है, यानी कि ये 100 और अपॉन में 4 से इसको कैंसिल करेंगे 25, और 25 से 3 में इंटू होगा 75। और मैंने क्या बोला कि जो x की वैल्यू आएगी वो परसेंट वैल्यू होगी, सो x इज इक्वल टू 75% आंसर। सो क्वेश्चन क्या था, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90। सो 75% यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 75% ऑफ 120 इज इक्वल टू 90, यही हमारा आंसर है। तो आंसर 75%। ये मिसलेनियस प्रॉब्लम है, इसके बाद वाले लेक्चर यानी लेक्चर वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg इज 5 ग्राम। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात ये है कि परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg, तो 1 kg का ग्राम में पूछ रहा है। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे, सिंस 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। सो देयरफॉर क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट परसेंट यानी x परसेंट ऑफ 1000 ग्राम, व्हाट परसेंट ऑफ 1000 ग्राम इज 5 ग्राम, ये हुआ, ये क्वेश्चन बना, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ हो जाएगा x परसेंट, यानी x परसेंट का मतलब होता है 1/100, इसको ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन 100 इंटू, ऑफ का मतलब होता है इंटू 1000 इज इक्वल टू 5 ग्राम, ठीक है। सो ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू उस साइड 5 है ना, और ये 10 है जो इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। सो इसको जब कैंसिल करेंगे तो 1/2, यानी x इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2% यानी 0.5%, यानी 0.5%। सो 1 kg का 0.5% जो होगा वो 5 ग्राम होगा। ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ 3.5 लीटर इज 150 मिलीलीटर। व्हाट परसेंट, तो हम लोग मानेंगे x परसेंट ऑफ 3.5 लीटर इज 150 मिलीलीटर। सो यहाँ मिलीलीटर है, यहाँ लीटर है, तो दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। इसको या तो आप लीटर में बना दो या इसको मिलीलीटर में बना दो। तो लिखेंगे, सिंस 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, सो 3.5 जो होगा लीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे 3.5 से 1000 में इंटू हो जाएगा, ये मिलीलीटर हो गया, बहुत ही सिंपल था। सो क्वेश्चन क्या बनेगा, x परसेंट ऑफ 3.5 into 1000 है, ये मिलीलीटर इज इक्वल टू कितना आ रहा है जी, 150 मिलीलीटर आ रहा है। तो ये x परसेंट क्या होगा, यही कैलकुलेट करना है। सो यहाँ हो जाएगा x अपॉन 100 ऑफ मीन्स इंटू 3.5 into 1000 इज इक्वल टू 150,
इसको कैलकुलेट करेंगे, एक्स की जो वैल्यू आएगी वही परसेंट में आंसर होगा। सो 20 से 20 कैंसिल, ये 1000 था, 1000 था, सो यहाँ पे 20 को कैंसिल करना है तो ये 10 बचा हुआ है। x इक्वल टू यहाँ 150 है और 3.5 का इंटू 10 में करेंगे तो 35 हो जाएगा और इस साइड भेजेंगे तो अपॉन में होगा। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, सो 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से 5 थ्री ज़ा 15 और 5 से 5 7 ज़ा 35, यानी आया 30 अपॉन 7। जब इसको ये जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया तो परसेंटेज यहाँ पे जरूर लिखेंगे। अभी 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 4 ज़ा 28 2 7 परसेंट, तो ये वैल्यू आया 4:2 अपॉन 7% जो होगा वो 150 मिलीलीटर होगा, यह आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड 7:1/2% ऑफ कितना, ₹2400। सो यहाँ पे देखिए इस फाइंड करना है कि क्या फाइंड करना है, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो फाइंड करना है कि 7:1/2% ऑफ 2400 इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू व्हाट को हम इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं कि जो भी आएगा वो हमारा एक्स की वैल्यू होगा। सो यहाँ पे 7:1/2, 7 2 14 और 1 15/2 परसेंट ऑफ मीन्स इनटू 2400 इज इक्वल टू एक्स, तो इसी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए 15/2 इनटू ये जो परसेंट है, परसेंट को हम लोग क्या लिखते हैं 1/100 इनटू 2400 इक्वल टू एक्स, इसको कैंसिल कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो एक्स का आंसर होगा, एक्स की वैल्यू होगी। 20 से 20 कैंसिल कर दिया है ना, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 12 होगा। सो x इज इक्वल टू 12 इंटू 15 कर देते हैं, तो 15 2 ज़ा 30, 15 1 ज़ा 15 और 3 18, तो यहाँ पे आंसर आएगा ₹180। यानी कि 7:1/2% ऑफ 2400 इज इक्वल टू ₹180 होगा, यानी 7.5%, इसको 7.5% भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 40% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 240, थर्ड क्वेश्चन है, 40% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 240, 40% ऑफ व्हाट इतने, ये व्हाट मतलब यहाँ x है, x का कितना परसेंट, सो हम लिखेंगे 40% को 40/100, व्हाट यानी कि इंटू x हो जाएगा 240, 10 से 10 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 240 था इंटू, ये अपॉन में 10 है तो इधर न्यूमरेटर में और यहाँ पे 4 हो जाएगा। सो 4 से इसको कैंसिल करेंगे 6 आएगा, ये 0 और ये 0 यानी कि 600, सो x इज इक्वल टू 600, तो 600 का 40% 240 होता है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 180% ऑफ व्हाट, तो व्हाट की जगह पे हम लोग x रख लेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, 180% ऑफ x, व्हाट दिया है यानी कि x और डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 504, तो ये x क्या होगा, ये x की जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। सो 180% को हटाएंगे तो अपॉन 100 ऑफ यानी x ऑफ यानी इनटू x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 504, इसको कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया है ना। चलिए कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 से 9, 9 2 ज़ा 18 और 2 से 5, सो यहाँ हो जाएगा 9x अपॉन 5 और डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 504 है ना, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस डिवाइड को हम लोग इसके अपॉन में 1 कर सकते हैं, हम लोगों ने फ्रैक्शन में पढ़ रखा है प्रीवियस क्लास में। सो 9x अपॉन 5, इस डिवीजन वाले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 होगा और इज इक्वल टू 504, ठीक है। सो यहाँ x को यही रहने देना है, बाकी सारी वैल्यूज को उस साइड भेज देना है, 504 है ना यहाँ था और 5 × 2, 5 2 ज़ा 10, ये अपॉन में है उस साइड जाएगा तो इनटू में और 9 यहाँ पे नीचे आएगा। सो क्या होगा इसका आंसर, 9 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 से 9 5 ज़ा
कितना होता है 45, 5 आया और 9 6 जा 54, तो ये 56 इंटू 10 आया यानी कि 560। तो x इज इक्वल टू 560 जो है वो आंसर हो गया। ठीक है, तो 180% ऑफ 560 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 504 होगा। सो ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 26% ऑफ x इज इक्वल टू 65। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वह 26% ऑफ x इज इक्वल टू 65। तो इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 26% के लिए अपॉन 100, ऑफ के लिए इनटू x, तो x है 65। यहाँ x रहने देना है एज इट इज, 65 है, इनटू अपॉन में था, इस साइड भेजेंगे तो न्यूमरेटर में आ गया और 26 से नीचे डिवाइड कर देंगे। कैंसिल करना है इसको, तो 13 से कैंसिल करते हैं। ठीक है, 13 टू ज़ा 26, 13 से 5 टाइम्स में और 5 से ये 50 टाइम्स में 100 हो गया, 50 इंटू 5 आ रहा है तो ये हो जाएगा 5 ज़ा 25, 250 आएगा। सो x इज इक्वल टू 250, तो 26% ऑफ 250 इक्वल टू 65 होगा। सो ये आंसर। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो है 200% ऑफ 800 इज इक्वल टू व्हाट। तो व्हाट वाले प्लेस पे हम लोग x रख लेंगे और x का जो भी वैल्यू आएगा वही उसका आंसर होगा। सो 200% का मतलब होता है अपॉन में 100, ऑफ दैट मीन्स इनटू 800 इज इक्वल टू x। कैंसिल करते हैं, 20 से 20 कैंसिल, 800 का इनटू 2 में करेंगे 1600x, तो यही हमारा आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो है अ पीरियड ऑफ 4 आवर्स 30 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। एक दिन का 4.5 घंटा जो है यानी कि 4 आवर्स 30 मिनट जो है एक दिन का, वन डे का कितना परसेंट हुआ, यही क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ वन डे दिया है, वन डे का कितना परसेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, और उधर दिया है 4 आवर्स 30 मिनट। तो हम लोग ना सबको या तो डे में कन्वर्ट कर देंगे, या तो आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, या तो मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो ही सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे सेवेंथ क्वेश्चन को मिनट्स में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो देखिए 4 आवर्स 30 मिनट यहाँ हम लोग लिखेंगे, सिंस 4 आवर्स 30 मिनट इज इक्वल टू 4 आवर्स में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 30 करेंगे तो ये टोटल मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा 270 मिनट्स। यानी कि अब एक और चीज़ देख लेते हैं फिर समझिएगा, वन डे, तो वन डे इज इक्वल टू 24 आवर्स और 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट, तो यहाँ हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, मिनट्स। सो अब क्वेश्चन समझ, सो क्वेश्चन बनेगा What परसेंट यानी कि x परसेंट ऑफ 24 इंटू 60 मिनट इज इक्वल टू 270 मिनट। यानी कि ये वन डे है, तो वन डे का कितना परसेंट जो होगा वो 270 मिनट होगा, 270 मिनट यानी 4 आवर 30 मिनट। सो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सो x परसेंट, तो यानी x अपॉन 100 इंटू 24 इंटू 60 इज इक्वल टू 270 मिनट। सो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू यहाँ 270 है, क्लियर है, ये 270 यहाँ लिख देते हैं। ये जो 10 है इधर न्यूमरेटर में उस साइड भेजेंगे तो डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 24 इंटू 6 जो है x के साथ इंटू में था, इस साइड भेजेंगे तो अपॉन में आ गया, अब इसको कैंसिल करना है। ठीक है, हम लोग 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से 5 टू ज़ा 10, 2 से कैंसिल करते हैं 2 3 ज़ा 6, 3 से कैंसिल करते हैं इसको 9 टाइम्स में, सो कितना यहाँ पे आया, यहाँ पे 9 है, यहाँ एक 0 है तो 10 हुआ, यहाँ 5 है अपॉन में 24। अब इसको 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 ज़ा 9 और 3 से 3 8 ज़ा 24, एंड अब इसको हम लोग
टू से कैंसिल करते हैं, टू फोर ज़ा एट, टू से टू फाइव ज़ा, सो यहाँ आंसर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रहा है फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव, थ्री ज़ा सेवेंटी फाइव अपॉन फोर, और सेवेंटी फाइव को जब इससे डिवाइड करेंगे यानी कि परसेंट में तो आएगा ही, एक्स परसेंट जो एक्स की वैल्यू होगी वो परसेंट में ही आएगा। अब इसको फोर से डिवाइड करते हैं तो फोर वन ज़ा कितना हो जाएगा, फोर वन ज़ा फोर, थ्री आएगा, फोर एट ज़ा थर्टी टू और थ्री बचेगा तो यानी थ्री बाई फोर, एटीन इज टू थ्री बाई फोर परसेंट जो होगा वो इसका आंसर होगा। सो इस तरीके से हम लोगों ने मिसलेनियस प्रॉब्लम को देखा, हम लोग अब इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व।